आपकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मेडिकल विंग द्वारा सहयोग इस आयोजन में पंच प्यासी अति विशिष्ट जन विशेषकर योगिनी दादी जी हमारे निदेशक डॉक्टर राम सर और तमाम विशिष्ट सामने बैठे चिकित्सकगण और उपासकगण डॉक्टर ने मुझे थोड़ा जोड़ा है कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया वक्ता नहीं हूँ कुछ बातें जो करें उन्हें मेरी शायद टेक्निकल ज़्यादा हो। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को डिफाइन किया तो पहले फिजिकल मेंटल एब्सेंस ऑफ डिजीज और कोई उन्होंने हेल्थ माना लेकिन बाद में उन्होंने स्पिरिचुअल हेल्थ भी जोड़ा मेंटल के बाद तो वो शायद एक आयाम है जिसको जोड़ा था जो जियरी प्रैक्टिस नहीं करते डॉक्टर्स के और शायद इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है या इधर रुझान नहीं है तो वो स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ज़्यादा नहीं है। अगर आप चले जाएँ मुस्ला हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल तो फिजिकल की तरफ ये भी उनका पूरा इंक्लिनेशन है और थोड़ा सा जो आयाम पड़ा है मेंटल हेल्थ की तरफ तो अक्सर पूर्व वक्ता को आपने सुना उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया मेंटल हेल्थ की तरफ जाकर लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हमारे फिजिकल हेल्थ पे ही ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं और उसी को ट्रीट कर रहे हैं। जहाँ तक नशा की बात आपने कही तो नशा का एक उल्टा शब्द है नशा को पलट के अगर रखिए तो आपको कहते हैं शान जो शान आपकी उलट दे वही नशा है। तो एक नशे को कई मामले में लगाया गया एक के लिए जो नशा करते हैं तो उसके सबसे ज़्यादा लॉस होती है तो शान होती है और उसके जो इम्पैक्ट हैं उससे फैमिली पे और आसपास के वातावरण पे कम्युनिटी पे प्रभाव पड़ता है। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय ने जो ये नया सेमिनार ये ऑर्गेनाइज किया है और हमको भी जोड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ तम्बाकू का एक है टोबैको उन्मूलन के लिए टोबैको उन्मूलन केवल उसी दृष्टि से नहीं इम्पोर्टेंट है गंदगी फैलाने में भी टोबैको बहुत बड़ा ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ आप कोने में देखिए अगर ईश्वर की तस्वीर भी बाहर रख दीजिए तो मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि उन्होंने गणेश जी को उठाया नीचे थूका वहीं पर रख दिया फिर से विराजित कर दिया और चले गए। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उनको मेंटल जोड़ने की जरूरत है कहीं ना कहीं नशा करना एक बात है लेकिन नशे से जब आप जुड़ जाए बहुआयामी नशे हो गए आजकल इंटरनेट का नशा व्हाट्सएप का नशा नए नए नशे पैदे हो गए तो हो सकता पुराने पुराने नशे सीधे सीधे जाने लगे लेकिन नए नशे पैदे हो गए तो ये दसों लोग अब जुड़ रहे हैं। तो अभी टोबैको का तो एक ऐसा नशा है जो फिजिकल आप में चेंज लाता है और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अभी किसी ने शराब का नशा कहा वो भी आपके ऐसे जो फिजिकल चेंजेस लाते हैं कुछ थोड़ी मात्रा में वो इनिशियली तो थोड़ा सा आपको रिलेट करते हैं तो बड़ा सा आपको बड़ा अच्छा लगता है जो खासकर जो दबे लोग रहते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी निकल के सामने आ रही है लेकिन जब डिपेंडेंस हो जाती है तो आपके लिए आपकी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाता है। इस दिशा में जो आपने ये कदम उठाया डॉक्टर राम बाबू दादी एंड अदर जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं इस मैसेज को इस कमरे तक ना समीर जी में तक के मैं ही चाहूँगा कि मैसेज आगे भी जाए सोसाइटी तक जाए और उन लोगों को लाभ पहुँचाए जो इससे आज सफर कर रहे हैं। इसी शुभकामना मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद पैसा बाबू। अभी